अशोक पांडे जी, आपकी गारंटी यानी मोदी जी की गारंटी और राहुल जी की गारंटी और आदरणीय केजरीवाल जी की गारंटी, बाकी की आएंगी तो वो भी जोड़ लेंगे, है ना? अभी तो ये तीन गारंटियां बाजार में आई हैं, कैसे निपटेंगे? देखिए, कैसे निपटेंगे? देखिए, आपको बता दें कि हमने हमारे घोषणा पत्र में जो हमने कहा था हमने पूरा किया। हमने कहा 370 हटाएंगे, हट गए। हमने कहा भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, कानून के हिसाब से ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, फलाने नहीं करेंगे, राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को हम लाल कर देंगे, हम वकील खड़ा करके अदालत में कह देंगे कि राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं थे, फिर 1200-1500 वकील खड़ा कर देंगे कि नहीं राम मंदिर का फैसला न आवे, राम मंदिर बनबे न करे। इन लोगों ने पूरा प्रयास किया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद आपने कहा था अतीत जिसका जैसा होता है, ये लोग 70 वर्षों शासन किया, इन्होंने इज्जत घर नहीं दे पाए, ये लोग शौचालय नहीं दे पाए। जब 15 अगस्त को मोदी जी पार्लियामेंट लाल किले से बोल रहे थे प्रधानमंत्री की हैसियत से, तो घर में बैठ के बड़ी ते हंसी उड़ा रहे थे, क्या प्रधानमंत्री को अमेरिका बोलना चाहिए, लंदन को बोलना चाहिए, अरे बाप रे बाप, गरिमा का हनन हो गया, और शौचालय बोल रहे हैं। आज घर घर में इनके लिए इज्जत खाली 10 जनपद की थी, हमारे लिए पूरे हर जनपद की थी। हमने गरीब लोगों के घरों में शौचालय देने का काम किया है, गरीबों को मकान देने का काम किया है। हमने वैक्सीन जब लगवा रहे थे तो बड़ के अखिलेश भैया कहते थे, अरे बाप रे बाप, मोदी की वैक्सीन लगवाएंगे, हम आएंगे तो वैक्सीन बनाएंगे लगाएंगे। और फिर मुलायम सिंह ने लगवा लिया, टीबी फक से लगवा लिए। मेरा ये मानना है हिंदुस्तान की जनता सब देख रही है, राजीव गांधी जी की न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, जय कदम आगे चलते हैं, तय लोग छोड़ के भाग जा रहे हैं। ये पूरी गारंटी है कि महात्मा गांधी चाहते थे कांग्रेस को खत्म हो जाना, नहीं हो पाया, लेकिन राहुल भैया पूरा कर देंगे। इनकी दशा शोले के एक असरानी वाली हो गई है कि आधे लोग बाएं जाएं, आधे लोग दाएं जाएं। मैं अंग्रेजों के जमाने के जेलर हूं, बाकी पीछे आवे, पीछे देखे तो गौरव वल्लभ भी भाग गए। और महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, इनकी सीनियर जो है महिला प्रवक्ता, उसने जिस ढंग का वक्तव्य दिया, निश्चित तौर पे देश की जनता जानती है कैसा महिलाओं के लिए सम्मान है। इन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटा। राहुल गांधी कह रहे थे कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सबसे ज्यादा संविधान के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया है। कितनी बार बदला गया है, साहबानों प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन लोगों ने बदला, तीन तीन कई फैसले हैं सिर्फ कोर्ट की खातिर। लोकतंत्र को जितना चोट इन लोगों ने पहुंचाया है किसी ने नहीं पहुंचाया। ठीक है, ठीक, आपातकाल लगा के गला घोटा गया। अभी रुकना होगा अशोक जी, आ गई 22,500 लोग दोबारा में, बाकी बात दोबारा में दूसरे विषय पर। अरविंद जेतलक जी, एक बात और याद आई मुझे जी। ये जो फॉल्स नैरेटिव है ये हटने चाहिए देश से, इनसे बड़ा देश का नुकसान होता है। चिदंबरम और दिग्विजय सिंह दो बड़े नेता कांग्रेस के, और वहां घाटी में महबूबा मुफ्ती, इन तीन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब भी हम कभी पावर में आएंगे तो जो 370 हटाई गई है उसको वापस ले आएंगे। ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे वो विषय आज नहीं बहस का, मैं मानता हूं नहीं ला सकता, कोई सरकार आए कोई संसद आए। विपक्ष ये तो तय कर ले कि हटाई है कि नहीं हटाई है, अगर हटाई नहीं तो वापस कैसे लाओगे? नहीं, इसी घोर माठा में ज्यादा नुकसान हो रहा है। कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा, इसीलिए जनता भरोसा नहीं कर पाती। मुखर्जी यार, इनका तो समझ ही नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। अब चिदंबरम और दिग्विजय और कश्मीर के मसले पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बिटिया ज्यादा प्रामाणिक माने जाएंगे बनिस्पत समाजवादी पार्टी के, यही मसला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले घर में बैठ के राय विचार कर लो कि अयोध्या का मंदिर राम भाजपा का बोलना है कि नहीं बोलना है, फिर सोनिया गांधी से लेके नीचे ब्लॉक
के समाजवादी युवजन सभा तक के बच्चे को बताओ कि भाई ये लाइन लेनी है। खैर अरविंद जेतलक जी, मसला वही कि बड़ी बड़ी लोक लुभावन घोषणाएं हर पार्टी करती है। क्या मैंने शुरुआत में कहा था, मैं उस बहस को आज वहीं रखना चाहता हूं। घोषणा पत्र किसी का खराब आज तक देखा आपने? किसी का खराब घोषणा पत्र भी आया कि आज तक? जेतलक जी आपने इतनी लंबी पत्रकारिता की जीवन जिया है, लेकिन जनता, मुझे लगता है मंच से जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी वोकल कॉर्ड कितनी पवित्र है उस पर ही विश्वास करती है, नहीं? वरना छपा हुआ घोषणा पत्र तो जो एक भी सीट नहीं जीतती पार्टी उसका भी बढ़िया होता है, नहीं अरविंद जी? बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए वो झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है। घोषणा पत्रों को उसी तरह से लोग देखते हैं, परखते हैं। लेकिन आपने सही कहा कि जो जनता रैलियों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से जो नेतृत्व होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, वो क्या कह रहा है वो काफी प्रभावी होता है। उसको किस रूप में लेती है, किस गंभीरता के साथ लेती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, पी चिदम्बरम हो, महबूबा हो, वो विश्वसनीयता का संकट कांग्रेस से कहीं गया नहीं है, अभी जस का तस बना हुआ है। आपने बिल्कुल राम मंदिर का सवाल उठाया, जन भावनाओं का निरादर जिस तरह से विपक्ष किया है, क्या ये जनता देख नहीं रही है? क्या केवल घोषणा पत्रों के आधार पर जनता वोट करती है? बिल्कुल नहीं। क्या केवल जो है 10,000-5,000 रुपए मिलने से वोट करती है? बिल्कुल नहीं करती है। जनता जो है वह यह भी देखती है कि कौन पार्टी जो है जनता की भावनाओं को समझता है, मान सम्मान देता है, विचारों को जो है उसकी ग्राह्यता को स्वीकार करता है, क्या ये जनता देख नहीं रही है? देखिए 2014 के बाद अभी आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता को भरमा दिया गया, गुमराह कर दिया गया। आप जनता को भाई इतना निरामूर्ख मत समझिए। दुनिया की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था और परिपक्व जनता यहाँ की है, जो कि यहाँ के बड़े बड़े निजामों को उखाड़ करके फेंक दिया आजादी के बाद, किसी का अहंकार नहीं ना। कोई अरविंद जी, कोई माई का लाल इतना बड़ा नेता देश में ना हुआ, ना होगा, ना है किसी पार्टी में जो जनता को गुमराह कर ले जाए। सब लोग एक तो बात नोट कर लो, क्या ये ढोर है क्या जनता? ये नेताओं को ये गलत फहमी कब से होगी कि हम इतने काबिल हैं कि हम जनता को गुमराह कर ले जाएंगे? ना जी ना, जनता आपको गुमराह कर देती है 2 मिनट में। हाँ अमिताभ जी, दूसरी चीज, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 2014 के बाद देखिए इस देश की जो सियासत है पुराने कास्ट लाइन से अलग धारा बह चली है। ट्रांजेक्शनल पॉलिटिक्स को जन्म हुआ है, एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का जन्म हुआ है। जनता परख रही है कि मेरे हाथ में क्या आ रहा है, जब सरकारें हमें क्या मुहैया करा रही है, कितनी कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर मूर्त रूप ले रही है, उसका भली भांत जो है वो परख रही है, समझ रही है। केवल कागजी घोषणाओं से कुछ होने जाने वाला नहीं अमिताभ जी। जी पासवान साहब, एक तो ये कि जिन भी लोगों को आप लगाते हो ये सब काम के लिए, नेता तो लगते नहीं, इसमें प्रोफेशनल लगाए जाते हैं, पेड लोग, क्या कि भाई बनाओ फिर हम देखेंगे इसमें कुछ थोड़ा बहुत करना है क्या, पॉलिटिकल पंच में हम डाल देंगे, बाकी इतने लंबा ड्राफ्ट कौन लिख सकता, नेता के पास तो समय नहीं और उतनी अंग्रेजी लिखे कौन, ये भी झंझट है। वही फोटो वोटो ला के सब सजा के देते हैं। आपने ऐसा क्यों कराया कि भाई कहां अमेरिका की नदी का फोटो लगा दिया है और थाईलैंड और क्या बता रहे बैंकॉक की भाजपा वाले, ये सब छोटी चीजें हैं लेकिन चेहरा खराब हो जाता है पार्टी का, ठीक है ना? चुटकुला ज्यादा जल्दी पहुंचता है ना नीचे तक। अब तो आपके घोषणा पत्र का चुटकुला बन गया कि आप थाईलैंड की फोटो क्यों लगाए, अरे उत्तराखंड से कहीं से लगा देते, कश्मीर की कहीं की फोटो लगा देते सुंदर से, और आप बफेलो रिवर ले आए। बड़ी बूढ़ी पार्टी को ये शोभा नहीं देता। खैर छोड़िए, ये विषय तो मुझे कहना था इसलिए मैंने कह दिया। मैं मूल बात पर आता हूं कि मैंने ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं देखा जो लुभावन नहीं हो। क्या सबके पास अच्छे राइटर हैं क्या, और वो अच्छे से अच्छा घोषणा पत्र आपको लाके दे देंगे 3 दिन में छाप के कि भाई साहब देख लो, बाकी आप बता दो उसे और ऐड कर देंगे। नहीं, मुझे याद है अशोक गहलोत की जब सरकार गई थी, इस बार नहीं पिछली बार, तो
मैंने उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, मैंने तो दवाई से लेके कपड़े से लेके और स्कूटी मोटरसाइकिल और सब फ्री और क्या क्या कर दिया था, मतलब ऐसी योजनाएं और कहीं नहीं थी। मैंने कहा फिर आपको चिंतन करना चाहिए कि जब सब फ्री आपने कर दिया फिर भी कैसे हार गए। वो लेकिन क्या है, वो जनविश्वास का मसला है। वरना किसी पार्टी ने, आप लोगों को याद होगा, 5 किलो देसी घी का वादा भी किया था कि अगर हम जीतेंगे तो हर घर में 5 किलो शुद्ध देसी घी देंगे, कसरत के बाद उसके पराठे खाएंगे सब लोग। वो उस पार्टी को वोट नहीं मिला। अमरनाथ जी 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 अमिताभ भाई जी, पहले तो जो वरिष्ठ पत्रकार साथी भी बोल रहे थे जी कांग्रेस के बारे में, और आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है कि वो चाहे पॉलिटिकल एनालिसिस हो या सीनियर जर्नलिस्ट हो, वो बीजेपी के लाइन में ही बात मैक्सिमम लोग करते हैं। बहरहाल ये सबका अपना अपना विचार है, उस पर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस सच में मूर्ख नहीं है, जनता सच में मूर्ख नहीं है और न ही किसी के बहकावे में आने वाली है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत में 60 वर्षों तक सत्ता में रही और आज जो समाज है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, ओबीसी हो, या समाज का कोई भी कमजोर वर्ग, चाहे वो देश में एनटीपीसी हो, ओएनजीसी हो, गेल हो, सेल हो, वो चाहे मिलिट्री स्कूल हो, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, तमाम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीयू, जामिया, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटियां, तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम हॉस्पिटल और तमाम बांध बनाए गए देश के विकास के लिए, युवाओं के सशक्तिकरण को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी सौदाह की बात करती है, कब्रगाह की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की बात करती है। अगर ये 2-3 शब्द भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश से निकाल दिया जाए, इनके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं रह जाता है। लेकिन वही कभी भाई बोल रहे थे कि भारतीय संविधान के वजह से मंदिर बना, ना कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से। अशोक भाई आपको भरपूर समय मिला, मैं बीच में बोला नहीं, नहीं बोलने की मेरी आदत है, आप जरूर बोलिएगा, मेरा जवाब दीजिएगा। तो भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया और जिस तरीके से उसमें मौलिक अधिकारों का प्राविधान किया गया, उसमें सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि राम जन्मभूमि को भी उससे न्याय मिला। क्योंकि अगर संविधान नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता, तो हमें लगता है कि मंदिर नहीं बन पाया होता। दूसरी बात ये कहूंगा अमिताभ भाई, जब हम हिंदू हैं और हिंदू विधि विधान से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना था, तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी को इतना बेचैनी क्यों थी ठीक मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने का? ठीक है, जब हमारे सारे शंकराचार्य विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये नियम संगत नहीं है, समय भी उसका नहीं है, अधूरे कार्य का प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, तो आप क्यों इतना ज्यादा बौखला रहे थे? अशोक जी अभी रुकिए, पासवान जी आप रुक जाइए। उस वक्त इस विषय पर मैंने 3-4-5 बहसें की थी, उसमें अब जाने का समय नहीं, ना मेरी इच्छा है अभी जाने की। हिंदू शास्त्र क्या कहते उसका मैंने सब उस वक्त उल्लेख किया था, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कहते, वो सब विषय खत्म हो चुका, इसलिए उसमें मत जाइए, ठीक है ना, वो सब छोड़ दीजिए। और राजनेताओं के लिए वो विषय ठीक भी नहीं। क्या आपको ये भी नहीं पता होगा कि सोमनाथ में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसका शिखर नहीं बना था, 15-17 साल बाद शिखर बना, तब ध्वज चढ़ाया गया। आपको जानकारी नहीं होगी क्या? आप काहे को पढ़ते उस चक्कर में? और विषय बोलो, वृद्धावस्था पेंशन है, मनरेगा है, इन पर बोलो। आप शंकराचार्य तक चले जाते हो, ये तो जानकारी हो उतनी, शास्त्र की या अतीत की नहीं होगी ना, इसलिए फंस जाओगे। छोड़ कुशवाहा भैया पासवान जी, छोड़ दो उस बात को, नहीं है उसमें फंस जाओगे। चुनाव का समय है, कम बोलो तो ज्यादा ठीक है, फंस जाओगे। अरे रुको भाई अशोक जी, बदलेगा हालात को, अरे रुक जाओ, हाथ बदलेगा हालात को, ठीक है अशोक जी। बहुत लंबे समय तक ये अहंकार भारत की 140 करोड़ जनता सहने वाली नहीं है, ठीक एक बार रुक जाओ। अरे भाई आपस में नहीं लड़ो, आपस में नहीं लड़ो, की आवाज बंद कर दीजिए, पासवान जी की आवाज बंद कर दीजिए, बिल्कुल मेरी बहस ऐसे नहीं चल सकती, जो कहूं उसको समझिए, नहीं कहेंगे ऐसे नहीं चल सकती, माफ करेंगे भाई ना, ये आपस में मत लड़िए,